गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आर नेक्स्ट क्लास ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मिडल ईयर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ इनर ईयर. तो देखिए, हमने पढ़ा था कि मिडल ईयर की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, कैसे साउंड जो है वो ईयर ड्रम से होते हुए ऑसिकल्स में आ रहे हैं और ऑसिकल्स के थ्रू वो ओवल विंडो के ऊपर स्ट्राइक करते हैं. तो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी का काम कर रहा होता है मिडल ईयर आपका, दूसरा इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और तीसरा जो साउंड है उसको हियरिंग के साथ में जोड़ने का काम कर रहा होता है मिडल ईयर. ये तीन फंक्शन हमने मिडल ईयर की पढ़ी थी. अब हमें इनर ईयर की फिजियोलॉजी पढ़नी है. तो इनर ईयर के अंदर आपने देखा था कि मेन ऑर्गन जो था वो आपका कोक्लिया था. तो कोक्लिया की जो सेल्स हैं, कोक्लिया में हेयर सेल्स होती है, वो काम कर रही होती है साउंड के परसेप्शन के अंदर, उनका रोल होता है. और जो हेयर सेल्स है वो दो तरह की होती है, ऐसा हमने पढ़ा था, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स. ये हमने इसकी एनाटॉमी में पढ़ा था. और इसके अलावा इनर ईयर में इन हेयर सेल्स के अलावा भी कई कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो इसकी फिजियोलॉजी के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो पहले हम जो हेयर सेल्स हैं उनको हम देख लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहला आता है कोक्लिया हेयर सेल्स. जैसा कि हमने पहले बताया कि कोक्लिया वो ऑर्गन है जो कि साउंड परसेप्शन के लिए आपको इनेबल बनाता है, मतलब आप कोक्लिया के थ्रू ही साउंड को सुन पाते हैं. कोक्लिया की जो फिजियोलॉजी है वो इनर और आउटर कोक्लिया हेयर सेल्स के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं. मतलब इनर आउटर कोक्लिया हेयर सेल्स जिस तरह से भी फंक्शन कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कोक्लिया फंक्शनिंग होता है, उसकी फिजियोलॉजी चलती है और आपको सुनाई देता है. इसके अलावा जो सेल्स हैं, मतलब इनर और आउटर कोक्लियर हेयर सेल्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा और सेल्स हैं या पार्ट्स हैं या अदर कॉम्पोनेंट्स हैं, वो सब मिलकर के भी, कोक्लिया के साथ मिलकर के आपकी हियरिंग एबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं. मतलब सिर्फ कोक्लियर हेयर सेल्स ही नहीं हैं बल्कि और भी दूसरे कॉम्पोनेंट्स हैं जो इन सेल्स के साथ में मिलकर के आपको सुनने में सहायता प्रदान करते हैं. और उन कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, देखिए सिर्फ आप नाम सुन लीजिए. बेसिलर मेम्ब्रेन आता है, एंडोलिम्फ आ रहा होता है, और इसके अलावा कई और मेम्ब्रेन्स हैं, और साथ में आपका कुछ और सेल्स, इनर जो ईयर है उसके पार्ट्स हैं जो इसके अंदर रोल प्ले करेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम जो हेयर सेल्स देख रहे हैं, इसमें हमने कहा ये दो तरह की हेयर सेल्स होती है, इनर कोक्लियर हेयर सेल्स एंड आउटर कोक्लियर हेयर सेल्स. दोनों का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है. तो सबसे पहले रोल ऑफ इनर हेयर सेल्स हम देख लेते हैं कि इनर हेयर सेल्स क्या रोल प्ले कर रही हैं. तो इनर हेयर सेल्स का मेन फंक्शनिंग है साउंड के मैकेनिकल फोर्स को हियरिंग की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में ट्रांसफॉर्म करना. इनर हेयर सेल्स ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल फोर्स ऑफ साउंड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हियरिंग, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सुन सके. और जो साउंड का मैकेनिकल फोर्स है, इसका मतलब क्या है, जो कोक्लिया फ्लूइड वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई इनर जो इनर ईयर जो है उसके अंदर दो तरह के फ्लूड्स होते हैं, पैरिलिम्फ और एंडोलिम्फ. ये कोक्लिया की जो फ्लूड है इनमें वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिसको अपन मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, उसी के थ्रू ये वाइब्रेशन जनरेट होता है. वो कन्वर्ट होता है एक्शन पोटेंशियल से, और ब्रेन को ये ऑडिटरी मैसेज देता है कि कोई आवाज़ आ रही है. फिर वो ब्रेन ये बताता है कि कौन सी आवाज़ है, किस तरह की आवाज़ है, क्या आवाज़ है. तो इनर हेयर सेल्स जो हैं वो मैकेनिकल फोर्स ऑफ साउंड को ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हियरिंग में. फिर इसके बाद ये नर्व फाइबर के साथ में कम्युनिकेट करती है, जिससे कि ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन तक लेकर के जाती है आपके इस मैसेज को. नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्रेन तक ऑडिटरी नर्व लेकर के जा रही है मैसेज. और जब ये न्यूरो फिर जब ये मैसेज लेकर के जा रही है, तो कैसे लेकर के जा रही है, कि वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, किससे, इनर हेयर सेल से. इनर हेयर सेल्स जो है वो नर्व फाइबर को मैसेज देगी, किसकी फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में. उन केमिकल्स को आप कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर.
कब रिलीज होंगे? जब उन सेल्स तक कोई स्टिम्यूलाई आएगा, साउंड का स्टिम्यूलाई जैसे ही आएगा तो उस स्टिम्यूलाई के प्रति ये सेल रिस्पॉन्स देगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिलीज। केमिकल रिलीज होगा जिसे अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनके थ्रू ये मैसेज देगी। अब ये केमिकल रिलीज कैसे होता है? जब ये केमिकल रिलीज होता है तो आपके नर्व फाइबर्स के ऊपर फायरिंग की रेट जो है वो भी बढ़ जाती है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, खूब सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, नर्व फाइबर्स तक ये मैसेज भेज रहे, तो नर्व फाइबर से फायरिंग की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। अब फायरिंग की रेट बढ़ गई तो उससे क्या है, हेयर सेल्स के ऊपर वोल्टेज जनरेट होता है पॉजिटिव टाइप का। जब खूब सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है तो नर्व फाइबर पर फायरिंग की रेट बढ़ रही है और हेयर सेल पे वोल्टेज पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव होएगा तो मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक, आपके ब्रेन तक। अब इसी का ही उल्टा क्या है कि जब हेयर सेल्स का वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो हेयर सेल से कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और नर्व फाइबर की भी जो फायरिंग रेट है वो कम हो जाएगी। वाइस वर्सा है जो ऊपर हमने बोला। अब ये फायरिंग रेट और वाली चीज़ आगे भी हम डिस्कस करेंगे, जब हम दूसरे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे क्या रिलीज़ हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज़ हो गया, क्योंकि आपने एनाटॉमी में पढ़ा था ये सारी स्ट्रक्चर्स और वो आगे आएंगे, ये कैसे कैसे क्या क्या, एंडोलिम्फ का इसके अंदर रोल हो रहा होता है, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन हाई हो रही होती है एंडोलिम्फ के अंदर तो ये रोल प्ले करता है, वो आगे इसकी मैकेनिज्म में आएगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनर हेयर सेल्स का कैसे और क्या रोल होता है। तो इनर हेयर सेल्स का काम है कि ये आपके साउंड की मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसफॉर्म करता है हियरिंग के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, जो कि नर्व फाइबर से कम्युनिकेट करता है और ऑडिटरी नर्व को ब्रेन तक मैसेज ले जाने में काम करता है। और कैसे वो मैसेज ले जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जब कोई स्टिम्यूलाई आपके इनर हेयर सेल्स पे आएगा तो उसके रिस्पांस में इनर हेयर सेल्स एक केमिकल को रिलीज करती है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब ये ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा होता है नर्व फाइबर्स पर फायरिंग की रेट भी बढ़ जाती है और हेयर सेल्स का वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, तब मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा। और अगर यही हेयर सेल्स का वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो हेयर सेल्स कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे और नर्व फाइबर से फायरिंग रेट कम हो जाएगी, तो आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा। अब आउटर हेयर सेल्स का क्या रोल होता है, इनर हेयर सेल्स का रोल हमने पढ़ लिया, आउटर हेयर सेल्स का क्या रोल है? तो ये इनर हेयर सेल से ऑब्वियस है अलग काम करता है, अलग काम कर रहा है इसीलिए ये अलग स्ट्रक्चर का, सेम काम करता तो फिर क्या मतलब था उस स्ट्रक्चर का। तो ये ब्रेन तक एक्चुअली सिग्नल को नहीं भेजता, जब कोई साउंड आ रही होती है तो साउंड से रिलेटेड किसी भी तरह का सिग्नल ये ब्रेन तक नहीं भेज रहा होता है, बल्कि उसकी बजाय ये क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन पर वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने कहा ना कि कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है वोल्टेज सेल मेम्ब्रेन पर, इनर हेयर सेल की मेम्ब्रेन, इनर हेयर सेल से रिलीज हो रहा था वोल्टेज चेंज हो रहा था, ये पॉइंट हमने इनर हेयर सेल में पढ़ा। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन का वोल्टेज चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये जो आउटर हेयर सेल्स हैं वो एक्टिवली और रैपिडली इलांगेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस खड़े होने की प्रोसेस, इलांगेशन के प्रोसेस को या इस बिहेवियर को हम इलेक्ट्रोमोटिलिटी कहते हैं, क्योंकि इनर हेयर सेल्स क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना आपके मैकेनिकल सिग्नल को, साउंड के मैकेनिकल सिग्नल को उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट किया था। और ये जब ट्रांसमिट हो रहा था तभी वो जो सेल का वोल्टेज था, सेल मेम्ब्रेन का वोल्टेज, वो चेंज हो रहा था। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन का वोल्टेज चेंज होगा आउटर हेयर सेल्स एक्टिवली और रैपिडली इलांगेट हो जाएंगे, इस बिहेवियर को अपन इलेक्ट्रोमोटिलिटी कहते हैं। और जैसे ही आउटर हेयर सेल्स इलांगेट होएंगे तो आपके बेसिलर मेम्ब्रेन जो है उसका मूवमेंट एम्पलीफाई हो जाएगा। बेसिलर मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स आपने पढ़ा था, ये जो हेयर सेल्स है उसके नीचे लाइनिंग थी बेसिलर मेम्ब्रेन की। बेसिलर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये मूवमेंट कर रही होती है, मोशन करती होती है, तो इसका जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा होता है एक्चुअली। ये अप एंड डाउन मूवमेंट यानी ये मोशन जो है वो तेज हो जाएगा तब जब आउटर हेयर सेल्स इलांगेट हो जाएंगे। और बेसिलर मेम्ब्रेन के इस मॉडिफिकेशन को हम एक तरह
का मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये इनर हेयर सेल्स के स्टिम्यूलेशन को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ऐसा हो रहा होता है कि बेसल मेम्ब्रेन का मोशन एम्पलीफाई हो जाए ताकि इनर हेयर सेल्स और ज़्यादा अच्छे से स्टिम्यूलेट हो सके और मैसेज को अच्छे से ट्रांसमिट कर सके आपके ब्रेन तक। ये आउटर हेयर सेल्स का रोल है। इसके अलावा ये इनर हेयर सेल्स के जो रिसेप्टर्स उनमें पाए जाते हैं उनको भी एनहांस कर देते हैं, जिससे कि आपके साउंड इंटेंसिटी के प्रति कान की आपकी जो इनर हेयर सेल्स की सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप ज़्यादा अच्छे से साउंड को सुन सकते हैं अगर वो थोड़ा धीरे भी आ रहा है तो। और आप ना केवल अच्छे सुन सकते हैं, इवन आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं साउंड के पिच के बेसिस पर। जो भी अलग अलग तरह की पिचेस आपको सुनाई दे रही होती है, जैसे अगर बच्चा आवाज़ दे रहा है तो चाहे अननोन ही बच्चा क्यों ना, आप सुनकर के बता सकते हैं बच्चे की वॉइस है, ये लड़की की वॉइस है, ये लड़के की वॉइस है, ये डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो आउटर हेयर सेल्स के बेसिस पर ही हो रहा होता है। एक्चुअली आउटर हेयर सेल्स इनर हेयर सेल्स में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को एनहांस करती हैं, और इनर हेयर सेल्स एक तो साउंड इंटेंसिटी के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं और दूसरा साउंड के पिचेस को डिस्क्रिमिनेट करना आपको सिखा रही होती है। तो ये आपके आउटर हेयर सेल्स का रोल है। तो हमने आज जो है वो इनर हेयर सेल्स की, इनर ईयर की मेन हेयर सेल्स को पढ़ा। अदर कंपोनेंट्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेन सेल्स कौन सी थी? कोक्लियर हेयर सेल्स थी। कोक्लिया में दो तरह की सेल्स पाई जा रही होती है, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स। और ये हेयर सेल्स इनर ईयर के रिमेनिंग कंपोनेंट जैसे बेसल मेम्ब्रेन, एंडोलिम्फ जैसी चीज़ों के साथ में मिलकर के हियरिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं, या हियरिंग की फिजियोलॉजी के अंदर, या आपके इनर ईयर की फिजियोलॉजी के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे रोल प्ले कर रहे हैं एक बार इन शॉर्ट फटाफट हम देखते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले जो इनर हेयर सेल्स होती हैं वो इनर हेयर सेल्स का काम है कि आपके अंदर वो साउंड के मैकेनिकल फोर्स को हियरिंग के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसमिट कर रही है, जिससे कि ये नर्व फाइबर के साथ में कम्युनिकेट करती हैं और ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक मैसेज को लेकर के जाती है। और ब्रेन तक मैसेज को लेकर के जाते जाने के लिए नर्व फाइबर्स को न्यूरो ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। वो न्यूरो ट्रांसमीटर इनर हेयर सेल्स से स्टिम्यूलेशन मिलने पर रिलीज होते हैं, और इनकी रेट जब बढ़ जाती है, इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ की जब रेट बढ़ जाती है तो नर्व फाइबर्स पर फायरिंग की रेट भी बढ़ जाती है, जिससे कि हेयर सेल्स का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। जबकि सेम वाइस वर्सा देखने को मिलेगा, अगर हेयर सेल्स का वोल्टेज नेगेटिव हो गया तो हेयर सेल्स से कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और नर्व फाइबर्स की फायरिंग रेट भी कम हो जाएगी। ये तो इनर हेयर सेल्स था। आउटर हेयर सेल्स इनर हेयर सेल्स की तरह साउंड के लिए कोई सिग्नल नहीं भेज रही होती ब्रेन तक, बल्कि जब सेल मेम्ब्रेन का वोल्टेज चेंज होता है तो ये एक्टिवली तेज़ी से खड़ी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। इसको अपन इलेक्ट्रोमोटिलिटी कहते हैं। इस इलोंगेशन की वजह से बेसल मेम्ब्रेन में जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। और ये कैसे मोशन करती है? अप एंड डाउन मोशन करती है। याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगी। और इस मॉडिफिकेशन को बेसल मेम्ब्रेन के इस मॉडिफिकेशन को ऐसा माना जाता है कि इनर हेयर सेल्स के स्टिम्युलेशन को बढ़ा रही होती हैं। इसके अलावा आउटर हेयर सेल्स इनर हेयर सेल्स में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को भी एनहांस करती है, जिससे कि साउंड इंटेंसिटी के प्रति आपकी सेंसिटिविटी या इनर हेयर सेल्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो आप अच्छे से साउंड को पहचान सकते हैं और डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं साउंड को पिचेस के बेसिस पर, वेरियस पिचेस के बेसिस पर, कि लो पिच है, हाई पिच है, मीडियम पिच है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि किस पर्सन की कैसी आवाज़ आ रही है और ये कौन है। इसके साथ आपके इनर ईयर की मेन हेयर सेल्स का पार्ट यहीं पे ख़त्म है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने अदर कंपोनेंट्स इनर ईयर के पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अपने ईमेल के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपने सीआर को मैसेज भेज करके क्वेश्चन, अपनी क्वेरी जो है मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगी। थैंक यू।